नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का रिप्लाई देना चाहूँगा। मेरे पास मैसेज आया अरुण जी का, इन्होंने लिखा है, सर कृपया करके बताएं मेन गेट कौन सा माने, घर का मुख्य द्वार या घर के अंदर जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है वो माने, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी चार दीवारी होती है, जहाँ पर आपका अपना लोहे का दरवाज़ा लगता है, मेन गेट जो लगता है वो आपकी मेन एंट्रेंस होती है। उसके बाद जब आप अपने घर के अंदर की एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद वो आपकी सेकंड एंट्रेंस बनती है। ये दोनों ही एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव जोन में होनी चाहिए, तभी आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये दोनों एंट्रेंस आपके नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप अपना घर बना रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप अपना घर का मुख्य द्वार और घर की एंट्रेंस दोनों ही पॉजिटिव जोन में जरूर रखें, सही दिशा में जरूर रखें। आप भी अपनी साइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 600 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट पर इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट पर भी इनवाइट कर सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। और आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।